की वजह से भारी तबाही मची है। स्क्रेडरन बंदरगाह इलाके में काफी ज्यादा नुकसान की खबरें इस बीच आई। भूकंप के बाद इंक्वेंड्रन बंदरगाह पर आग भी लग गई। भूकंप के समय पोर्ट पर रखे कंटेनर एक के ऊपर एक गिर गए और इसके अलावा सेना के विमान की मदद से इस आग को बुझाया गया। आग का धुआं कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से आग का ये धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक फैलता हुआ नजर आया। सेना के विमानों की मदद से इस आग पर जैसे तैसे काबू पाया गया। तुर्की में आए भूकंप की वजह से इंक्वेंड्रन में भारी तबाही हुई है। सरकारी अस्पताल पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। रेस्क्यू टीम अस्पताल के मलबे में लोगों को तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 लोग अस्पताल के मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से हर एक जगह पर तबाही के निशान आप देखेंगे। जिस अस्पताल में मरीजों का इलाज होता आज स्थिति ये हो गई है कि उसी अस्पताल में कई लोग दबे हुए हैं और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और तुर्की के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां सोमवार को आए भूकंप के बाद तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। तुर्की में एक के बाद एक भूकंप के कई झटके महसूस किए गए थे जिसके बाद भारी तबाही का मंजर देखने को वहां मिला था। वहीं दूसरे दिन भी तुर्की भूकंप के झटकों से थर्राता रहा जिसने तुर्की में दहशत पैदा कर दी। चंद सेकंड में इमारत धड़ाम, मलबे में तड़पती कई जिंदगी। जिंदगी बचाने की सबसे बड़ी जंग। तुर्की से निकली इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जहां मौत चुपके से आई और देखते ही देखते पूरे देश की तस्वीर बदलती चली गई। इस इमारत को देखिए जिसकी नींव हिलाना नामुमकिन नजर आता है, लेकिन जब तुर्की की जमीन हिलने लगी पूरा देश प्रलय के प्रकोप से थर्राने लगा तो यह बहुमंजिला इमारत थर थर कांपने लगी। पहले ऊपर का निर्माण कार्य टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगा और फिर चंद सेकंड के अंदर ही ये आलीशान इमारत जमींदोज होती चली गई और हर तरफ धुएं का गुबार दिखा। एक के बाद एक भूकंप के झटकों ने तुर्की में बनी ऐसी कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया तो वहीं कई शहरों को तबाह कर दिया। ताश के पत्तों की तरह ढही इन इमारतों के मलबे में कई जिंदगियां फंस गईं। जिंदगी की चाह में मदद के लिए लोग तड़पते रहे, एक एक सांस के लिए मौत से संघर्ष करते रहे। बहुमंजिला इमारत के मलबे में दबी एक मासूम सी जान को जब बाहर निकाला गया तो अपनों को पुकारती रही। वहीं एक ऐसी ही इमारत तुर्की के दूसरे शहर में भी जमींदोज हो गई। जहां तक नजर गई सिर्फ मलबा। न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।